मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, चंगे भले होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि आज ये काफ़ी दिनों बाद ये मोटर चली है और हम लोग का देसी बाथ टब भर चुका है। तो मैंने सोचा कि अभी सैर करने आए हैं तो सुबह सुबह यहीं पे स्नान कर लिया जाए, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए अभी स्नान करने जाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है सुबह। दोस्तों एकदम छलछला के भर चुका है, अभी देख रहे हो जैसे कि पानी बाहर भी आ रहा है दोस्तों। यार पानी तो ठीक ठाक ठंडा है दोस्तों, नहाने में मजा आएगा। चलिए अभी ट्राई करते हैं देसी बाथ टब में नहाने का मजा लेते हैं दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, पानी एकदम मजेदार पानी है। फाइनली नहाना हमारा हो चुका दोस्तों। नहा के दोस्तों बहुत मजा आया देसी बाथ टब में। गांव में ऐसे ऐसे ही चीजें होती हैं दोस्तों, और देहात के लाइफ का तो मजा ही कुछ और है, आपको क्या बताएं। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आपको ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिलती रहेंगी। फाइनली सनराइज भी हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी रुकिए, ये देखिए दोस्तों सनराइज भी फाइनली हो चुका है। पहले नहीं हुआ था, जब मैं नहाने गया उस टाइम बादलों के पीछे ही सूरज था। अभी एकदम पूरा निकल चुका है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतनी तेज रोशनी है ना। सनलाइट जो पड़ रही है खेतों की हरियाली पे, क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये देखने में तो बहुत मजा आता है ये सब। वाह दोस्तों, अभी घर चलते हैं। घर चल के ब्रेकफास्ट करके पेंडिंग काम निपटाते हैं। आज मैं बहुत देर स्टे कर गया यहाँ पे, नहाने के चक्कर में ऐसा हुआ, मैं नहीं तो जल्दी लौट जाता हूँ सैर करके। तो चलिए अभी घर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से काम पेंडिंग है। दोस्तों आफ्टर ब्रेकफास्ट सभी काम निपटा के मैं अभी जाके फ्री हुआ हूँ, क्योंकि आज मेरा IBPS का एग्ज़ाम है। तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट कर रहा था, अपना रोल नंबर प्रिंट करवाने गया था। तो शॉप आज बहुत लेट खुली, उसकी वजह से थोड़ा देरी हो गई। अब सभी डॉक्यूमेंट तो ले आए हैं और 2 बजे हम निकल जाएंगे, ठीक 3 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि मेरा 3:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। जलंधर मेरा सेंटर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, और पहुँच जाएंगे आराम आराम से जाएंगे। और फिर एग्ज़ाम दे के शाम को जल्दी लौटना भी है, क्योंकि आज दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। बहुत ही एक्साइटमेंट है देखने के लिए। ये लास्ट मैच देखने पे तो इतना मज़ा आया था कि सोचो, आज सोचो दोस्तों कितना मज़ा आएगा। और आपने उस वीडियो पे बहुत प्यार दिया, मैं थैंक यू करता हूँ आप सबका। तो दोस्तों चलिए अभी तैयार वार होते हैं, तैयार होके फिर। एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच चुके हैं, पीछे देख सकते हैं आप बहुत भीड़ है यहाँ पे। अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद हमको एंट्री मिलेगी। मैं अंदर का तो आपको कुछ दिखा नहीं सकता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, जैसे कि आप जानते हो एग्जामिनेशन सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद मैं फोन जस्सी को पकड़ा दूंगा, उसके एग्जाम देने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अभी देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ है, अभी गेट भी नहीं खुला है, गेट खोलेंगे थोड़ी देर में ही लोग। चलो दोस्तों आपको मिलते हैं एग्जाम के बाद। दोस्तों फाइनली एग्जाम दे के तो निकल चुके हैं सेंटर से, अभी सेंटर के बाहर ही खड़े हैं। एग्जाम तो ठीक ठाक ही गया दोस्तों, क्योंकि उसमें टाइमिंग और स्पीड आपकी मायने रखती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी थे, और देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा है तो मेरे अल्लाह का अच्छा है, और बाकी क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स। अभी शाम के 6:47 हो चुके हैं, और अभी हम आदमपुर सिटी में पहुंचे हैं, और हमको रास्ते में बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी आते आते। तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक बर्गर खा लेते हैं, यहाँ के एक भैया हैं
उनके बर्गर बहुत ही फेमस है आदमपुर में, वो नॉनवेज बर्गर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे बनाते हैं। और जस्सी अभी अभी खा रहा है लगता है, देख मेरे वाला पकड़ा दो मैं भी खा लूँ। तो भैया अभी वेज नॉन वेज बर्गर है, एग बर्गर बहुत ही डिलीशियस लग रहा है दोस्तों देखने में। चलो बैठ लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम घर आ चुके हैं एग्जाम देकर, बहुत ही थकावट हो रही है दोस्तों, पूरा शरीर एकदम दर्द कर रहा है क्योंकि पूरे रास्ते मैंने ही बाइक ड्राइव किया, जस्सी को मैंने ड्राइव नहीं करने दिया क्योंकि वो थोड़ा ड्राइव करने में अनकंफर्टेबल होता है नए रास्ते पे, तो इसलिए मैंने उसको ड्राइव करने नहीं दिया। तो दोस्तों अभी जाके हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम पूरी एंटायर फैमिली मैच एंजॉय करेंगे दोस्तों। फाइनली दोस्तों मैं अपने रूम में आ चुका हूँ, हमने मैच को तो खूब एंजॉय किया लेकिन निराशा हो रही है कि हम मैच हार गए, इस बात का दुख है लेकिन हार जीत तो दोस्तों लगी रहती है। आप मैच का रिव्यू मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा दोस्तों, वो मैंने अलग से शूट किया है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर देना दोस्तों, ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। और दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।